हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मंडे है और आज मेरा फास्ट है। आज सावन का सोमवार है। और आपको पता है आज हैदराबाद का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल भी है, बोनालू। यस, मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही, मैं पर्दे थोड़ा हटा देती हूँ थोड़ा। आज है बोनालू। तो जी, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आपको पता है बोनालू क्या है? बोनालू इज अ फेस्टिवल जिसमें दुर्गा जी को, काली माता को एक कलश में रख के, एक मिनट रोशनी नहीं आ रही, कलश में रख के और मंदिर में ले जाया जाता है, और उसको अपने सर पे रख के वो लोग मंदिर से लेके आते हैं और फिर उस फेस्टिवल को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मेरी छुट्टी है उस ओकेजन पे। तो पहले मैंने सोचा था कि आज सावन का सोमवार है तो मैं भी मंदिर जाऊंगी, पर मुझे लगा आज बहुत भीड़ होने वाली है, तो देखते दिन में चली जाऊंगी एक बार। तो कल बहुत गंदा दिन गया मेरा, इतना सर दर्द कि लाइक मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार ऐसा लग रहा था व्लॉग ही ना डालूं, पर फिर आप लोगों से मिलना था, बहुत था। तो चलो ठीक है फिर। ओके, तो ये देखिए मैंने क्या बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा फैला के। ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा ही तो चाहिए। गरम खाता अच्छा है? गरम अच्छा लगता है। अच्छा, वो ठंडा हो ये जाएगा। मखाने हैं घी में भुने हुए, इसमें मूंगफली है, इसमें काजू है, किशमिश है। ओके, और ये हमारी कॉफी है, और ये हम दोनों हैं, और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये आलस फैला रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज इतना बिजी दिन गया, आपको पता है छुट्टी थी बट पता ही नहीं गई कहाँ गई। 5:30 बज रहे हैं। बस अब क्या हुआ, मैंने आज एक बहुत ही शानदार काम किया। हमारे यहाँ जो दूध आता है ना, वो बाहर टोकरी में रखने जाते हैं वो लोग, तो वो टोकरी सुबह से मैंने दूध ही नहीं उठाया, वो दूध हो चुका है फट। दूध हो चुका है फट। दूध गया फट। तो मैं दूध लेने जा रही और आपको पता है बस भाई साहब क्या बन रहा है आज, मिस्टर अभय स्पेशल पिज्जा। मतलब हाउ यू आर मेहनती पर्सन, इतना मेहनती इंसान कैसे कोई हो सकता है? कल तो मुझे बोल रहे थे कुछ करते नहीं, देखो उठो अरे कुछ भाई करो। साहब, चीज ही चीज है इसमें, तो कहाँ जाके जमेगा ये, हाथ में कि पैर में? तेरे पेट में जमेगा। अरे अभी आप इसमें वो डालो यार, देखो जो मैं एक दिन लेके आई थी ये। अरे ऐसे खुलता है साहब, ये देसी स्टाइल नहीं है, मतलब ये मिन 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 ऐसे छोड़। पहली बार ऐसा लिया ही तो है, वैसे थैलियों में लाके खोलती। अरे यार, मतलब यार क्या है, मतलब यार बहुत मेहनती, इतना मेहनती लड़का ना मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। देखो सच बता रही हूँ मैं आपको, ये देखो ये देखो, हाँ ये देखो, हमने मारे हुए पिज्जा हटके ये क्यों लगा रही है भाई तैने? ये मतलब मैंने मारे हुए पिज्जा हटके ये लगा, इसको डालो ना ये थोड़ा, आपको इसमें लहसुन ना लगे कहीं ज्यादा, सूंघ लो पहले एक बार। अरे यहाँ सूंघा। ये देखिए आप, ये आज पिज्जा बनाया मिस्टर शर्मा ने। ये हमारे यहाँ पिज्जा पता है आपको 2 प्रोसेस में बनता है। एक बार तो नमक में ये नीचे बेक होता है, नमक डाल देते हैं हम कढ़ाई में, जो मोटी कढ़ाई होती है, और फिर उसे ढक्कन को लगा देते हैं। और अब इसका सेकेंड प्रोसेस होने वाला है माइक्रोवेव में, ठीक है? मतलब हम कितने फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं पर ये अच्छा, पता है इससे क्या रीज़न होता है? नीचे से जो ये क्रंच है ना, ये बहुत अच्छा हो जाता है, और जो ग्रिलिंग से ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो देखो अब मैं आपको ग्रिलिंग करके दिखाती हूँ उसको, ये कैसा लगेगा। फिर दिखा रहे हो क्या नीचे से? ये देखो इससे तो एक वो तंदूर टाइप का जो फ्लेवर, अरे रे 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 रे, वो आ जाता है इसमें। ठीक है जी, बनाते हैं उसको वैसे भी। तो अब ये पिज्जा दिख रहा है आपको, माय गॉड मिस्टर शर्मा जी ये क्या बनाते हैं आप इसको। तो ये पिज्जा इतना अच्छा है कि मेरे हाथ भी अच्छे लग रहे हैं इस पिज्जा के साथ। ये देखो, ये मैंने ना प्री हीट कर लिया है उनको, ग्रिल को। और ये देखो ये पता है डर रहे इतना, ये फोन कहीं माइक्रोवेव में ना घुसा दे। अरे यार क्या, 1 2 शा शा शा, 1 2 शा शा शा। आप पर्सनली यूज कर सकता हूँ आपको, गेटो गेटो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉक्स।
तो ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और ये पिज़्ज़ा है जो अभी बना नहीं है, तो ये नई बनने वाला है और ये बन चुका वाला है। अब इसको सिर्फ मुझे कट करना है, पिज़्ज़ा कटर मेरे पास है तो इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। फुल्ली लोडेड, ठीक है ना यार, खा ही सकते हैं महीने में एक बार, तो वो भी घर का बना हुआ है। ये देखो देखो मैं कितना अच्छा मास्क लेके आई और बहुत सॉफ्ट है, पता है, नाइस ना, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में 40। तो कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ एक बार जरा आसपास, आपको पता है आज मैं कहीं घूमने गई नहीं, बिकॉज सारा दिन काम कर रही थी घर पे, सारे नोट्स बना रही थी, वीकली असेसमेंट्स है उनकी शीट्स बना रही थी और कुछ एक दो प्रोग्राम्स हैं उनका राइट अप लिख रही थी। तो चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। कभी कभी अगर आप घूमने नहीं जाते हो, देखो ज्यादा मास्क का शो ऑफ हो रहा है ना, कभी कभी आप घूमने नहीं जाते हो तो सब्जी लेने जाना, फ्रूट्स लेने जाना, ये सब भी घूमना हो जाता है, तो चलो वही ले आते हैं आज। तो चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, ये अंदर रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे। और ये देखिए हमारी सोसाइटी में लगे हुए बादाम, मतलब कितने रईसों की सोसाइटी है भाई साहब, सही है नहीं? तो ये पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ है, देखो ये वाला भी बादाम का पेड़ है, देखो ऐसी पत्ती होती है। और एक नीचे ये पड़ा हुआ था, जब ये सूख जाता है ना जी, देख लो यार क्या हुआ, क्या मालूम क्या मालूम, चलना मालूम, दे देख गड़बड़ है कुछ नहीं क्या मतलब, अरे डर गई तानी के गई बहुत डरती है, तानी के गई तानी बहुत डरने लग गया आजकल। ये देखो बादाम, तो देखो भाई जिसको भी बादाम चाहिए ना तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं अपनी सोसाइटी में से तोड़ के दूंगी आपको बादाम। इतना बड़ा झूठ यार, हकीकत में दिखा रही हूँ झूठ किस चीज का, का, का करेंगे? इस बादाम को सुखा लेना फिर तोड़ के खा जाना। तूने खाया, सुखाया कि फिर आज तक बादाम? सुखा के देखती हूँ इसको, सुखा के देखती हूँ। मेरे खाया मतलब, देख मैं कितना सूखा हो चुका हूँ। हाँ वो दिख रहा है वो गाल, वो मास्क है, उसे गाल नहीं करना। नहीं नहीं मास्क के साथ में गाल दिख रहे हैं, आप तो बस मेरे मास्क पे कॉन्सेंट्रेट करो आज। क्या बात करती मालूम? ओए हैदराबादी चालू हो गई है, सीख गया यार, सही है ये भी, सही है तो मस्त है नहीं मेरा मास्क। तो चलो जी अभी आज आपको मैंने दिखाया सबसे शानदार आज की ना एक्सक्लूसिव क्या बादाम की सबसे खूबसूरत साइकिल पे ताला लगते हुए, थोड़ा और डबल डबल डबल, तो ये आप देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है साइकिल, ये मुझे ही धोनी पड़ेगी। तुम्हारी साइकिल है तानी के घर, ये वही साइकिल है जो ये धोने वाली थी। हो स्कैम, व्हाट स्कैम है, व्हिच काइंड ऑफ अ स्कैम। देखो 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 ये देखो, चढ़ा भी नहीं जा रहा, मतलब चढ़ा भी नहीं जा रहा। अब चढ़ के दिखा, दो सीटी एक साथ। हाँ ये देखो देखो क्या हालत है, थोड़ी कैलोरी बर्न किया, चढ़ दो सीटी एक साथ, 1 2 3 4। अरे अपने पैर इतने लंबे हैं, कहीं से नहीं तो तुम दिखा दो, ये दो हो गई है ना, 1 3 4। और ये हाफ फ्री है, मैं नहीं हाफ फ्री, देखो बाहर तुम्हारा है मेरा नहीं है, अपना तो बिल्कुल अंदर है। ये बाहर, ये देखो ये 2 किलो बाहर है। अभी आपको पता नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं धुआं हुआ है पूरे घर में, क्योंकि मैंने अभी जस्ट, आपको पता है जैसे कुछ पर्टिकुलर विशेष ओकेजन पे ना, मैं क्या मतलब गोबर का उपला होता है ना, उसमें गूगल और एक लौंग,
डाल के उससे धूप मतलब घर में धूप दे देती हूँ। तो आपको पता है उससे नेगेटिविटी खत्म होती है, घर में पॉजिटिव वाइब रहती है, आप हमेशा खुश रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है खुशी उससे डिपेंड करती है, पर मतलब अच्छी चीज़ है वो, काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहें तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं, मैं आपको दिखाना था मुझे कुछ। हाँ देखो, एक ही आपको दिख रही है, पॉन्ड्स लाइट सुपर लाइट जेल। मैं इतने दिन से इसको ढूंढ रही थी, ये जो क्रीम है ना, ये देखो ये बिल्कुल जेल बेस्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है। अभी जस्ट मुझे मिली तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। अच्छा और एक दूसरी चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देख के तो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ याद आने वाला है। दिखाती हूँ, होल्ड रखो रुको रुको एक मिनट, ये ये लिक्विड बिंदी। हाँ सोच रहे हैं क्या है, पर बहुत सारी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से भी आप लोग जानते होंगे कि हमने छोटे बन में कितनी बिंदियाँ लगाई हैं। नहीं आज मुझे मिली वहाँ पर रखी हुई, तो मैंने तो बिना इंतज़ार किए हुए ले लिए। तो जब मैं छोटी थी तो इवन तक कभी कभी आपको पता है बर्थडे गिफ्ट में भी लिक्विड बिंदी देते थे लोग, याद आया कुछ देख के? मतलब आई थिंक सो 2005 तक भी मैंने इसको लगाया है समटाइम्स। अब ये खुल नहीं रहा है भाई, कैसे खोलेंगे, ये खुल ही नहीं रही। एक और मैंने आते ही देखो अबे के मुंह पे भी लगा दिया हूं जेल। और ये वाइट बल आ गया यहाँ पे। आप में से कितने लोगों के वाइट बल आ गए अभी से? अबे तो बोल चुके बुढ़ापा घोषित है तुम्हें। अरे यार मतलब लाइक वाइट बाल से क्या बुढ़ापा घोषित है यार, हो जाता है वाइट बाल तो क्या हो गया, कल मेहंदी लगा लेंगे या कलर लगा लेंगे हो जाएगा ठीक। भाई चमक ना ग्लो से पता चलता है इंसान के। खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, देखो रॉकेट साइंस लगाने वाला व्यक्ति भी नहीं खोल पा रहा है इसको। हाँ खुल गई, खुल गई, एक पकड़ने में लगा के दिखाती। अच्छा जी कौन सा कलर लगाना है आज? ब्लू ड्रेस से ब्लू, तो ब्लू इसमें है क्या? फेंको मत यार। हाँ और एंगल थोड़ा मोटा कर दो ताकि मैं मोटी दिखूँ ना, आप तो चाहते ही मैं मोटी दिखूँ। नहीं आज बिल्कुल भी नहीं दिखूंगी। अच्छा ये दिखाओ मैं बिंदी लगा एक मिनट। आहा लग गई, लगी थी ना। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में मोस्टली लड़कियां ना ब्लैक बिंदी लगाती हैं बिफोर मैरिज, शादी से पहले। हाँ मैं भी बहुत लगाती थी, अब कुछ समय से बंद कर रखी है। मुझे मम्मी बहुत डांटती रहती है तू बिंदी क्यों नहीं लगाती है, बट चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। अब बज चुके हैं रात के 11:30 और इतनी बुरी तरह थक गई हूँ मैं, मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा। हम क्या आज मेरा फास्ट भी था और अभय ने आज पिज्जा बनाया था, खुद अकेले अकेले चट कर गए पूरा का पूरा। मैंने 1% भी नहीं खाया। हाँ 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 तो फिर मैंने खाया है आज। वैसे भी सावन का सोमवार था तो मैं खा नहीं सकती थी। तो आज का दिन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डल डल डल, बट ऐसा नहीं था। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए था, यू नो एक कनेक्शन वो बहुत जरूरी है। तो आपका ओ हेलो, आई एम नॉट इन अ मूड टू मेक फन बट आई एम यूजलेस। और आज बात हुई कि मेरे कुछ वर्थलेस, अरे यू जस्ट कीप योर माउथ ओपन फेविक्विक ओपन। अच्छा जी ओके, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, मैक्सिमम व्यूज मैक्सिमम लाइक मैक्सिमम शेयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कल मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जगह के साथ, कुछ और नई चीजों के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।